गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से साहिल सचिन व्लॉग्स हमारे यूट्यूब चैनल पर, स्पोर्ट्स वर्ल्ड पंचकुला पर, बिगी क्रिकेट पर। दोस्तों बिगी क्रिकेट, बिगी डॉट क्रिकेट हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, NWCA नरेंद्र वालिया क्रिकेट अकेडमी हमारा क्रिकेट अकेडमी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, इन सारे अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। साहिल सचिन व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आती रहे। ढेरों रील्स दबा के डल रही हैं, शॉर्ट्स दबा के डल रहे हैं और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे भी लग रहे होंगे और आपका प्यार भी हमें मिल रहा है। आज आपके लिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूं DSC के बैट्स। एक शॉर्ट जल्द हमारा ट्रिप था DSC का, हम गए और बैट हैंड पिक करके लेके आए हैं आपके लिए। चलिए देरी नहीं करूंगा, जल्दी से बैट्स दिखाऊंगा। मैसिव बैट्स आए हैं, बहुत प्यारे बैट्स आए हैं। अभी बॉक्स हमने सिर्फ खोल के रखा है आपके लिए, तो अभी आपको सामने ही मैं बॉक्स को खुला है। ये देखिए पहला बैट है एक्सेलाइट सीरीज में DSC का। वाह, गढ़ी हुई ग्रेन्स। सबसे पहले बैट का मॉडल नेम, मैं आपको पहले बैट की ग्रेन्स दिखाता हूं, आई एम श्योर ये क्लियरली विजिबल होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रेन्स है इस बैट में। एक्सेलाइट 3.0 इसका मॉडल नेम है दोस्तों। ओवल हैंडल में बैट है और प्राइस है इसका 29475, 29475। लुक एट द प्रोफाइल, स्पाइन ऑलमोस्ट टिल टो तक है, फुल प्रोफाइल में ये वाला बैट है और ओवल हैंडल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पंच बहुत अच्छा है और मैं इसका आपको वेट भी बताता हूं दोस्तों, क्या है इसका वेट, कितना है। अगर हम वेट चेक करें इसका, ग्राम्स में दोस्तों ये बैट है। जनरली एक्सेलाइट सीरीज का जो वेट कैटेगरी है वो लो वेट में आता है, बट इसका वेट 1180 ग्राम्स में आएगा। अगला बैट सेम मॉडल है एक्सेलाइट 3.0, अब आप इसका भी फेस देखिए, हल्के से ब्लेमिशेस के मार्क हैं बट फील अच्छा है, पंच अच्छा है। ग्रेन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेन्स है इस बैट में। यहां पे हल्का सा बटरफ्लाई मार्क्स या ब्लेमिशेस बोल सकते हैं, साउंड सुनो वो हो। इसकी सिलेक्शन करने का ये एक रीजन था इसका पंच, इसलिए बैट हमने सेलेक्ट किया। डकबिल शेप में बैट है, प्राइस आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं और इसका हैंडल राउंड है दोस्तों। डिस्काउंट इस बैट पे भी आपको मिलेगा हमारी तरफ से। अगला बैट है एक्सेलाइट सीरीज 4.0। वाओ, भरा हुआ मोटा बैट है दोस्तों, 42-43 में मैच होगा इस बैट का। बहुत इजीली फुल प्रोफाइल में है ये वाला बैट। 23,975 रुपीज इसका MRP है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्रोफाइल है, चाहे मैं शोल्डर से उठाऊं या स्पाइन से देखूं, एज वाइज या टो की तरफ से देखें तो एब्सोल्युटली बैलेंस्ड एंड हेल्दी बैट है। राउंड हैंडल में बैट है, हल्का सा मैं कहूंगा कि हैंडल थोड़ा मोटे वाली साइड पे है, तो आप अगर डबल ग्रिप करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा मोटा हो जाएगा, बट स्टिल आपकी अपनी चॉइस है। आप ग्रेन्स देखिए बैट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रेन्स है एंड आई एम श्योर आपको ग्रेन्स क्लियरली विजिबल होंगी। पंच देखिए, वाओ, ये फायदा होता है दोस्तों हैंड पिक करके लाने का। देख रहे हो कितना जबरदस्त पंच है, मैसिव बैट। अगला बैट सेम मॉडल है एक्सेलाइट 4.0। सबसे पहले बैट का फेस दिखा देता हूं आपको, एक हल्की सी हार्डवुड की लाइन है बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रेन्स है बैट में, प्रोफाइल फुल है अगेन और हल्की सी कॉनकेविंग है, एजिस उतने मोटे नहीं है जितने मैंने पहले बैट के दिखाए हैं आपको। 23,975
इसका एमआरपी है। बहुत अच्छा पंच है, बट जो मैंने पिछला बैट रिव्यू किया है दैट वाज एक्सीलेंट। देन दोस्तों स्प्लिट 330 का कवर भी स्प्लिट लिखा हुआ आता है बैट के कवर पे। सबसे पहले बैट की ग्रेन्स देखिए, बहुत प्यारी ग्रेन्स हैं। एक हार्टवुड की लाइन है एज पे, और अगर मैं ग्रेन्स काउंट कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रेन्स हैं इस बैट में दोस्तों। स्प्लिट 330 प्रोफाइलिंग की बात करूं तो फुल प्रोफाइल बैट है, बहुत अच्छा बैट है। 25,199 रुपीज इसका प्राइस है। पंच साउंड बहुत अच्छी है। अगर मैं इसका वेट देखता हूं ग्राम्स में ये वाला बैट आएगा दोस्तों। और राउंड हैंडल में ये बैट है। नेक्स्ट बैट डीएससी का ब्लू सीरीज में बैट है ये। इस पे ब्लू लिखा हुआ है इसके कवर पे, आप देख सकते हैं। वाओ, लुक एट द ग्रेन्स। इसको सेलेक्ट करने का पहला क्राइटेरिया इसकी ग्रेन्स और हार्डवुड और सैपवुड का मिक्सचर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ग्रेन्स हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ग्रेन्स हैं। ब्लू 350 मॉडल नेम है। प्रोफाइल देखिए दोस्तों, अराउंड 42 mm एज है। हार्ड प्रेस बैट मुझे लग रहा है ये। 28,675 हल्की सी कॉनकेविंग है बैट में, और प्रोफाइलिंग इसकी फुल है दोस्तों। साउंड से पता लग जाता है बैट का कि बैट कैसा होगा या कैसा निकलेगा। बहुत प्यारा साउंड है। राउंड हैंडल है इसका भी, और आप डबल ग्रिप भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला बैट नहीं है। अगर मैं इसके भी वेट देखता हूं दोस्तों, इसका वेट है 1210 ग्राम। स्प्लिट 330 में ही एक और मॉडल है, एक और पीस है सॉरी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेस देखिए, बिल्कुल क्लियर फेस है आपको। 6 ग्रेन्स है इस बैट में, और गढ़ी हुई ग्रेन्स है। फुल प्रोफाइल है, बहुत प्यारा प्रोफाइल है, नीट एंड क्लीन, जिसको बोलते हैं ना साफ सुथरा सुंदर सुशील बैट है ये। फुल प्रोफाइल में 25,200 रुपीज। थिन राउंड हैंडल है इसका, और वेट देख लेते हैं क्या है। 1190 ग्राम में बैट आएगा, बट फील बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। 1170-75 ग्राम का मुझे फील आ रहा है इसका। वाओ, बहुत प्यारा पंच है इसका भी। ब्लू 350 में एक और बैट आपको दिखा रहा हूं। देखिए पहले बैट का फेस देखिए, इसमें भी ग्रेन्स अच्छी हैं। तकरीबन 9 या 10 के करीब ग्रेन्स होंगी इसमें। 9 ग्रेन्स हैं इस बैट में। और अब प्रोफाइल की बात करें तो फुल प्रोफाइल है। 42 mm एज है। स्पाइन अराउंड 62-63 mm के करीब होगा। हल्की सी प्रोफाइलिंग इस बार चेंज हुई है डीएससी की। अगर मैं बात करूं तो पहले यहां से स्पाइन ये उठा हुआ देते थे, बट अब इन्होंने स्पाइन थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड किया है। तो 28,675 प्राइस है। बहुत प्यारा पंच है। वेट 1205 ग्राम्स, बट फील लाइट है। 1190 ग्राम का पिकअप है इसका दोस्तों। तो वाओ, लुक एट द प्रोफाइल। स्पाइन ये यहां तक जा रहा है इस बैट का। 40 mm एज है इस बैट का। 28,179 इसका प्राइस है। कॉन्डोर ग्लाइडर, बिल्कुल क्लियर फेस। एक हल्का सा ये मार्क अगर हम इग्नोर कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट गढ़ी हुई ग्रेन्स है। बिल्कुल साफ सुथरा बैट है। राउंड हैंडल में बैट है। पंच, वाओ,
साउंड ही बता रही है कि इसका इसकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी। 1130 ग्राम में, 1130 ग्राम में बैट है दोस्तों, ये वाला बहुत प्यारा बैट है। ब्लू 300 सॉरी ब्लैक 300 है दोस्तों। वाओ मैसिव प्रोफाइल, लुक एट द फेस, ग्रेन्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ग्रेन्स हैं इस बैट में। फुल प्रोफाइल, अगेन स्पाइन इसका आगे की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा प्रोफाइल है, पीछे भी ग्रेन्स गढ़ी हुई हैं। प्राइस 21,849 रुपीस। अंदाजा अगर मैं इसकी एज की बात करूं तो 42-43 mm इसका एज होगा। स्पाइन इसका राउंड 62-63 के करीब होगा और राउंड हैंडल में है, थिन हैंडल है। वेट मुझे इसका हैवी लग रहा है, वाओ वेट मुझे इसका नीचे की तरफ भी लग रहा है। मैं आपको इसका वेट बताता हूं क्या है, चेक करते हैं। 1215 ग्राम, 1215 ग्राम। तो अगर पावर हिटिंग के लिए और जो भाई हैवी बैट से खेलना पसंद करते हैं उनके लिए परफेक्ट बैट है ये वाला। सेकेंड लास्ट इस बॉक्स का ब्लैक 300, एक और सेम वाइट ग्रेन्स के साथ में है। 1 2 3 4 5 6 ग्रेन्स है बैट में। प्रोफाइल अगेन सेम फुल प्रोफाइल में बैट है, एजेस अराउंड 42 mm के करीब है, स्पाइन 62 mm 63 के करीब है, टो भी अच्छा है बैट का। वाओ ओ माय गॉड ब्यूटीफुल। वेट देखें, सेम वेट है इस बैट का भी, 1215 ग्राम। इसका वेट नीचे की तरफ नहीं लग रहा था मुझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी एक बॉक्स बचा है दोस्तों, वो मैं सेकेंड पार्ट में कवर करूंगा। देखिए कॉन्डोर ग्लाइडर 1 2 3 4 5 6 ग्रेन्स हैं, साफ बैट है, कोई ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है, मार्क या कोई नॉट वगैरह ब्लेमिश वगैरह नहीं है। टिपिकल डकबिल शेप में बैट है ये, 43 mm एज होगा, 28,179 रुपीज। बहुत ही प्यारा जबरदस्त बैट है, पंच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 1250 ग्राम में बैट है ये वाला। तो जो भाई बहुत ही सुपर हैवी बैट से खेलना पसंद करते हैं उनके लिए परफेक्ट बैट है। मीट से भरा हुआ है, एजिस मोटे हैं और अच्छी प्रेसिंग हो रखी है बैट की, अगर हम इसकी कर्व की बात करें तो। सो दोस्तों मैंने ये अभी एक बॉक्स की अनबॉक्सिंग करी है, इसका पार्ट टू बनाएंगे टू अवॉइड कि वीडियो लंबी ना हो। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमने कोई चीज मिस कर दी है तो रियली सॉरी। आप सब भाइयों के साथ हमारा प्यार यूं ही बना रहे, मिलूंगा अगली वीडियो में पार्ट टू के साथ। टिल देन गुड बाय, ओम शांति, राधा राधा, राधे राधे, थैंक यू।